भीम से विद्याधर वैष्णव की रिपोर्ट। विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को सेना भर्ती स्थल कोटा के लिए लगाई गई निःशुल्क बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक रावत ने बसों को रवाना करने से पूर्व भारतीय सेना के गौरव में भविष्य को चुनने वाले युवाओं को संबोधित किया और कहा कि दोस्तों, ये लड़ाई जो आपको आज लड़नी है अपने भविष्य के लिए, ये दौड़ जो आपको दौड़नी है अपने भविष्य के लिए, इसके लिए हमारा ये प्रयास बहुत छोटा प्रयास है। गोपाल सिंह जी साहब कह रहे थे, मेरा तो कर्जा नहीं है, मेरे तो मन की आत्मा खुश हो गई जब इतने मेरे नौजवान एक साथ इस राजीव गांधी स्टेडियम में बैठे हुए हैं और उनका चुनता हुआ चेहरा, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका कॉन्फिडेंस और ये नौजवानों की एक क्रोध जिसको दिखाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं 3-3.5 साल से। शामिल होंगे मेरे लिए तो वो सबसे अच्छा दिन होगा जिस दिन एक दिन हर दूसरे तीसरे घर से एक फौजी बन करके हमारे यहां से जाए और हर बच्चा फौज के अंदर जो प्रयास कर रहा है उसमें हो सके। 1,500 बच्चों की टीम तहसील के बच्चे हैं, नौजवान हैं जो दौड़ेंगे और आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। तमाम सरपंच साहिबान से जो यहां खड़े हैं और जो भी वीर देवगढ़ के हमारे बहुत महत्वपूर्ण जितने भी गणमान्य नागरिक से पड़े हैं, इन सबका भी धन्यवाद देता हूं। और जो नौजवानों की फौज है, जो हमारे पुराने फौजी साथी हैं, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के गाड़ियों में जाएंगे, उसके लिए मर मिटने को तैयार है और ये वो नौजवान है जो सामान्य भर्ती में नहीं जा रहे हो, आप देश की सेना के अंदर जाने के लिए निकले हो घर से। और इस भर्ती के अंदर जो नौजवान दौड़ में पास होगा वो एक तरह से भारत माता को अपने परिवार के द्वारा दिया गया तोहफा, भारत माता के लिए काम करने जा रहे हो, इस देश की सुरक्षा के लिए काम करने जा रहे हो, इस देश की अखंडता, इस देश को सुरक्षित रखने की तरफ काम करने जा रहे हो। ये मामूली बात नहीं है और मैं 3.5 साल से 4 साल से इसी का प्रयास में लगा हूं कि मेरे यहां का नौजवान, मेरे यहां का युवा अच्छी दिशा में जाए। और ये बहुत छोटा सा एक प्रयास है कि नौजवान को साबित करना है। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये गाड़ियां भेजना, लाना ले जाना वो इसलिए है कि आपको ये महसूस हो कि आपके पीछे भीम और देवगढ़ खड़ा है, राजस्थान की सरकार खड़ी है, राजस्थान की सरकार का विधायक खड़ा है, राजस्थान का मुख्यमंत्री खड़ा है आपके पीछे। ये सोच के आपको जाना है, कहीं कोई घबराहट नहीं रखनी है, आप अपना पूरा ध्यान उस पे दें। सारी व्यवस्था आपके व्यवस्थापक जो बस के टीम लीडर हैं, जो आपके हर एक बस के अंदर टीम लीडर है उनको रखें। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं, हालांकि आप इतने अनुशासित दिख रहे हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर अनुशासन फौज में सबसे पहली चीज होती है, कहीं पर भी किसी तरह की हमें बहस करने को रखना है। और अगर कोई भी किसी तरह का गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसका उचित तरीके से प्लेटफॉर्म होता है। और वहां जो भी फौज में भर्ती कराने वाले हैं आप सबको एक साथ भी इसलिए हम भेज रहे हैं कि सारे के सारे जब लाइन में लगे अंदर घुसे तो लगना चाहिए कि भीम देवगढ़ का नौजवान साथ में और एक दूसरे की मदद करने के हिसाब से घुसे, कहीं किसी तरह का अनुशासनहीनता नहीं करनी है, वरना उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जीवन में अनुशासन की बहुत कीमत है और जिस फौज में आप जाना चाह रहे हैं उसमें अनुशासन सर्वोपरि है, इसलिए उसका ध्यान रखना, अपने तरीके से पूरी ताकत के साथ दौड़ना, खाने रहने की जाने की आने की वो सारी भीलवाड़ा में भी खाने की व्यवस्था है, कोटा में भी व्यवस्था है, वापस आने में भी व्यवस्था है, कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं उसी गाड़ी से वापस आइएगा, 3 मीटर काउंट करके ही वापस गाड़ियां रवाना करें और सारी व्यवस्थापन करने वाले सभी लोग आपके साथ जाएंगे, आप अनुशासन से जाएं। और अंत में यही कहकर के परमपिता परमेश्वर से, समस्त 36 करोड़ देवी देवताओं से हम सब लोग प्रार्थना करेंगे पूरे दिन कल बैठ करके आज रात से लेकर के, कि हमारे भीम और देवगढ़ का नौजवान इस महायज्ञ में इस दौर के अंदर सफल हो और आप सब जीत करके आए, आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। और एक नारे के साथ आप लोग सब यहां से जाएंगे अनुशासन से, भारत माता की। आप सभी ने हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय का